हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और सबसे पहले अगर पीछे का बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा है तो यार सॉरी, वो थोड़ा कवर करने के लिए ये सब चीजें की गई हैं। अगर अच्छी लगी हो तो थैंक यू, और अगर खराब लगी हो तो सॉरी। हाँ, तो आज का टॉपिक है फिक्सेटिव के बारे में, यही नाम है ना सर को? सॉरी, आज का टॉपिक है फिक्सेटिव के बारे में। ये प्रोडक्ट फिक्सेटिव, अब ये होता क्या है ये पहले आपको बता दिया जाए। ये होता ये है कि जो आप लोग शेडिंग करते हैं या पेंसिल शेडिंग करते हैं या चारकोल शेडिंग करते हैं, वो ख़राब ना हो उसको सेफ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप लोग पेंसिल वाटर कलर का यूज़ कर रहे हैं उस पर कत्ताई मत करिएगा, ख़राब हो जाएगा। फिर हमसे ना कहिएगा भैया आपने बताया नहीं, तो हमने बता दिया ये चीज़। और तीसरी चीज़, अगर पेपर आपका हल्का है, पतला है, जिस जैसे आप लोग स्केचिंग करते हैं, अगर वो पेपर पे आप करेंगे तो फट जाएगा, तो ये भी जान लीजिए। तो ये बेसिकली यूज होता है जो आप लोग शेडिंग करते हैं, शेडिंग पेपर यूज करते हैं, प्रॉपर पेपर जो यूज किया जाता है उस पर ये असरदार है और उस पर ये सही से वर्क करता है। तो चलिए आपको दिखाइए कैसे वर्क करता है और उसके बाद क्या रिजल्ट आता है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो बिना किसी रुकावट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं कि ये जो वर्क है ये हम लोग ने कल बनाया था, इसकी वीडियो आ चुकी है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जाके वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन की लिंक में एंड वीडियो की एंड में वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो चलिए आपको बताएं ये यूज कैसे होता है। पहले इसको खोल लिया जाए। हाँ, तो खोलने के बाद फिर इसको या तो आप पास से या तो दूर से, जैसा आपको सही लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो इसको कुछ नहीं करना है, बस इसको इस पे स्प्रे करना है कुछ इस तरीके से, अच्छे से, कोई भी हिस्सा छोड़ना नहीं है। तो स्प्रे होने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ये सूख जाए, क्योंकि अभी थोड़ा पेपर गीला होगा। मोटा पेपर है इसलिए सेफ है, अगर पतला पेपर यही होगा तो पेपर फट जाएगा, क्योंकि इसमें से स्प्रे निकलता है उससे पेपर हल्का सा गीला पड़ जाता है। तो अब सूख चुका है, अब टेस्ट किया जाए। तो अगर इस पर आप ऐसे हाथ रगड़ेंगे इस तरीके से तो देखिए हाथ में कुछ नहीं लगा है। तो इससे होता ये है कि हम लोग की जो शेडिंग है वो सेफ हो जाएगी। अगर आप लोग मार्केट वर्क कर रहे हैं, कई ऑर्डर वर्क आपको भेजना है शेडिंग करके, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहिए अपने घर में भी पोर्ट्रेट को सेव करना है तो वहाँ पे भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, आपके बजट में आ जाएगा, मिल जाएगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और एक बात और, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार।